तो हाँ जी बेबी, आज क्या बनाने वाले हैं हम? तो आज हम बनाते हैं एक और हेल्दी रेसिपी। ओके। वेजिटेबल टोस्ट। ठीक है। वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स जो घर में इजीली अवेलेबल। ओके, बता दो फटाफट क्या चाहिए हमको। वी हैव चॉप्ड वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है वो चॉप कर सकते हैं। हमने क्या लिया? कैरेट्स लिए हैं, टोमेटोज लिए हैं, अनियन लिया है, कैबेज लिया है और कैप्सिकम। ओके। सो इफ यू डोंट हैव एनी वेजिटेबल्स तो आप इसको बस टोमेटो और अनियन में भी बना सकते। ठीक है, और क्या क्या? आई हैव ग्रीन चिली चॉप्ड। ये मैंने मलाई लिया हुआ है जो दूध का आज का ही क्रीम था वो क्रीम है। देन थोड़ा सा रवा है, सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है, भुना पिसा जीरा है, ब्लैक पेपर है एंड रेड चिली फ्लेक्स है। और देन आई हैव ब्राउन ब्रेड। ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जस्ट ऐड द वेजिटेबल्स। ठीक है, सबसे पहले बाउल में हम लोग वेजिटेबल्स को ऐड कर रहे हैं। इसमें मैं ग्रीन चिलीज डाल देती हूँ। ओके। ये जो हमारा क्रीम था ये ज्यादा नहीं डालना है, मैंने हाफ स्पून लिया है। अच्छा, इसका अगर आपको ज्यादा टेस्टी और थोड़ा कम हेल्दी वर्जन बनाना है तो वी कैन ऑल्सो ऐड चीज। ओके। तो एक क्यूब ऑफ चीज फॉर दिस मच ऑफ स्प्रेड विल बी इनफ। और उसको हम फिर मलाई से रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसके बाद मलाई का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मैंने रवा डाला, इट इज ऑल्सो अराउंड 1 स्पून। ओके। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? अब हम मसाले, हमारे ड्राई मसाला, तो इसमें मैंने सॉल्ट डाला। ठीक है। रेड चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट। ओके। चाहिएगा थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा भुना पिसा जीरा। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स अगेन आर ऑप्शनल। ओके। अगर हमारे पास नहीं है तो वी कैन स्किप। और ये मैंने पेपर क्रश कर दिया। ओके। अब हम इसको अच्छे से बाउल में मिक्स कर देंगे। एंड आई विल आल्सो चेक अगर वो बाइंडिंग उसका प्रॉपर हो रहा है, नहीं तो थोड़ा सा उसमें क्रीम और ऐड कर देंगे। ओके। बिकॉज दिस इज द स्प्रेड जो हम हमारे ब्रेड्स के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ओके। तो मेरा ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। और सी, अगर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये आई नो कि ये ब्रेड पे भी स्प्रेड हो जाएगा इजीली। वो यहाँ पे आप बाइंडेड नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे यू कैन चेक कि हाँ दिस इज डन। ओके। तो इसको अब मैं 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने दूंगी। मेरा रवा थोड़ा सा फूल जाएगा, ज़्यादा नहीं फूलेगा। तो क्रीम में जितना वाटरी टेक्सचर होगा उससे थोड़ा सा फूल जाएगा। ठीक है। सो हमने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है, ब्राउन ब्रेड का। अच्छा, इसमें आई हैव दिस स्पाइस्ड बटर जो मैंने घर में बनाया था। नॉर्मल बटर में स्पाइसेस ऐड करके उसका एक वीडियो हम बना सकते हैं। सो इट्स नथिंग, ड्राई हर्ब्स हैं, चिली फ्लेक्स हैं, थोड़े से सॉल्ट्स हैं। अगर हमारे पास कोई भी फ्लेवर्ड या स्पाइस बटर नहीं है तो वी कैन जस्ट स्प्रेड द नॉर्मल वन। और अगर आपको बटर नहीं चाहिए तो हम कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं, स्प्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। सो आई जस्ट, यहाँ पे मैंने इसको स्प्रेड किया है एंड जस्ट टर्न इट अराउंड। मैं इस पे हमारा स्प्रेड लगा देती हूँ। तो जहां पे हमने बटर स्प्रेड किया है उसके ऑपोजिट साइड में हमको जो है ये स्प्रेड करना है। स्प्रेड करना है, राइट। और उसको मुझे प्रेस करते जाना है बिकॉज इट विल बी ओपन टोस्ट ना। ओके। तो मैं उसको प्रेस भी करती जा रही हूँ तो स्टिक हो जाएगा ब्रेड से प्रॉपरली। अगर हमने चीज ऐड किया है तो चीज इसके ऊपर से डालने का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज चीज हम स्प्रेड में ही ऐड कर देंगे। ओके। तो पैन रख दिया मैंने। अगेन जैसे बाकी सारे वीडियोस में भी करती हूँ मैं, अगर मुझे कुछ भी बटर में फ्राई करना है तो आई जस्ट ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल सो
दैट माई बटर डजंट गेट बर्न. तो मैंने स्प्रेड कर दिया है, तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं. ठीक है, पैन गर्म हो गया है. ओके, अब इस गर्म पैन में हम डाल देंगे हमारा ब्रेड. मैं फ्लेम कम कर रही हूँ. इसको ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, बट आई वांटेड टू कीप इट सिंपल टुडे. तो अब क्या करना है इसमें? इसको यहाँ से जब तक ये इसके नीचे वाले साइड से सेकेगा, आई एम एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल ओवर द स्प्रेड. ओके, ठीक है. सो ऐसे कितना टाइम के लिए ऐसे रखना है? फॉर अराउंड 30-40 सेकेंड्स. ये नीचे से थोड़ा सा सेक जाएगा, मैं अभी टर्न करके दिखाई देती हूँ. एंड देन वी टर्न इट. ओके, तो यहाँ से अच्छा टेक्सचर आ गया इसका. और आई जस्ट प्रेस इट वंस सो दैट ये स्प्रेड से भी सेक जाए. ओके, इसमें भी मीडियम फ्लेम है मेरा, लो टू मीडियम. एक बार एक कंप्लीट टोस्ट बना के हम आपको दिखा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई लैग ना रहे, है ना? राइट. अब हम क्या करने वाले हैं? अब इसको दोबारा से पकड़ देंगे ना? अभी उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा. ओके, ठीक है. सो अराउंड 30-40 सेकंड्स मैंने सीखने दिया था इसको. अभी आई ट्राई टू जस्ट टर्न इट. So, ये यहाँ से सेक गया है. As we can see, अब इसको थोड़ी देर और गैस में रहने देते हैं. ठीक है. Around 20 seconds, so इसका नीचे वाला एज थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा. ओके. And if you don't want to make it crispy, तो इसको हम यहाँ पे भी बंद कर सकते हैं. ठीक है. So, ये हमारा बन के रेडी हो गया है. क्या यमी दिख रहा है यार, एकदम हेल्दी एंड यमी. अब इसको हम कट कर देंगे. इसको क्या बोलते हैं, पिज्जा कटर? यस, नॉर्मल नाइफ से. इवन आई यूज टू कट इट विद अ सीजर जब मैं हॉस्टल में थी, तो मैं सीजर से भी कट कर देती हूँ. ओके, इट इज रेडी. सो ये हमारी डिश रेडी है. क्या नाम था यार, सॉरी भूल गया मैं फिर से. वेजिटेबल टोस्ट. वेजिटेबल टोस्ट, ठीक है. तो ये एक हेल्दी रेसिपी है, इसको आप आराम से नॉर्मल इन्ग्रीडियंट्स के साथ भी बना सकते हैं. ठीक है, तो मैं रौनक और श्रुतिका विदा लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए. ओके, बाय बाय.